डियर स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत अभिनंदन। डियर लर्ड, सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर आज पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास में फर्स्ट पेपर अपना है बच्चे और बचपन, बच्चे और सीखना, सॉरी बच्चे और बचपन तो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है बच्चे और सीखना। इकाई सेकेंड पढ़ेंगे आज, क्योंकि फर्स्ट इकाई पर वीडियो बन चुके हैं, आप उसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेवें। सेकेंड यूनिट इसके भी पार्ट दो करने पड़ेंगे। मेरा शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि मैं आपके वीडियो सबसे कम से कम छोटे बनाऊं, ताकि आपको बोरिंग नहीं लगे कि सर हमारे आधे घंटे तक का वीडियो हमें बोरिंग कर देगा। इसलिए मुझे टुकड़ों में बनाना पड़ रहा है, 10 या 15 या 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि यदि लंबा है, आधे घंटे से ज़्यादा का है, तो मैं उसके दो पार्ट कर दूँ। तो ये प्रथम पार्ट है, इकाई दो का प्रथम पार्ट है, और अपनी जो सेकंड इकाई उसका नाम है सीखना, बुद्धि और अभिप्रेरणा। सब बालक के संदर्भ में आपको सीखना है। वैसे देखा जाए तो रीड की दृष्टि से भी ये यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। बुद्धि, बुद्धि लब्धि किसने दिया, कैसे क्या हुआ, उसके कौन कौन से सिद्धांत वगैरह जो भी हैं वो इस यूनिट में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक खोल लें और उसमें लिखना स्टार्ट कर दें, सीखना, बुद्धि और अभिप्रेरणा। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धि लब्धि को परिभाषित करते हुए उसका सूत्र लिखिए। बुद्धि लब्धि आईक्यू, आईक्यू के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, इसको कैसे परिभाषित करते हैं देखिए। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु, जिसको मेंटल एज कहते हैं, मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज का एक ऐसा अनुपात है जिसको 100 से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। इससे समझ लेते हैं इसकी परिभाषा कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का ऐसा अनुपात है जिसको 100 से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। जैसे किसी बालक की मानसिक, बालक की वास्तविक आयु 10 साल है, लेकिन उसकी मानसिक आयु 20 साल है, 20 है, तो इसकी बुद्धि लब्धि, तो हम क्या करेंगे, वास्तविक एम ए बटे वा सी ए, इसको याद कर लेना, आई क्यू बराबर एम ए बटा सी ए इंटू 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। यूँ याद नहीं, यूँ याद कर लेना, मावा इंटू 100, है ना, एम ए बटा सी ए इंटू 100, यानी कि मावा इंटू 100, माँ बटा वा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो देखिए, इसका मानसिक आयु है 20 है, यदि वास्तविक आयु 10 है, इसको आप 100 से गुणा कर लेवें, तो देखिए यानी कि 200 उसकी आईक्यू लेवल हो गया। अब आईक्यू की भी एक टेबल बनी हुई है कि 25 से कम है तो वो जड़ है, क्या है, वेरी इंटेलिजेंट कौन सा है, एक्सीलेंट कौन सा है, उसका भी टेबल अपन आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो याद कर लीजिएगा बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसे हम 100 से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आईक्यू इक्वल टू, आईक्यू बराबर क्या होता है, एम ए यानी मेंटल एज बटा क्रोनिकल एज इंटू 100, जिसको हिंदी में मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। अगला आता है बुद्धि की सीखने में क्या भूमिका है, बुद्धि की सीखने में क्या भूमिका है, बुद्धि से हम सीखते कैसे हैं, बुद्धि क्या है, समस्याओं को हल करने की योग्यता है, बुद्धि समस्याओं को हल करने की योग्यता है। बुद्धि पर काफ़ी प्रयोग हुए हैं, किस प्रकार से, सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे अपन, आप इसको समझ लीजिए कि सीखने में इसकी क्या भूमिका है। बुद्धि समस्याओं को हल करने की योग्यता है, कोई भी समस्या ही, अब उसको हल कैसे करेंगे, ये काम बुद्धि करती है। ये एक ऐसा क्रमबद्ध ऊपर की ओर बढ़ने वाली सीखने की योग्यता है, बाद की योग्यताएं पहले वाली योग्यताओं को अपने में समाहित करती रहती है। इस प्रकार बुद्धि की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे अपन कह सकते हैं पहले रेडियो का आविष्कार हुआ था, रेडियो के बाद टेलीविजन आ गया, फिर कंप्यूटर आ गया, धीरे 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 काफ़ी डेवलप, तो ये योग्यता क्या हो रही, इसमें मर्ज हो गई, यानी इसमें भी बुद्धि थी,
लेकिन ये थोड़ी सी और उसने सोचा कि इससे सुना जा रहा है, ऐसा प्रसारित या ऐसी यंत्र बनाया जाए जिससे वहाँ प्रसारित हो रहा उसको हम देख सकें, ये टीवी में आ गया। फिर इसमें कंप्यूटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आजकल तो न जाने कितनी कितनी तकनीकी नॉलेज आगे बढ़ गया है। तो बुद्धि वो चीज़ है, यानी सीखने में बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा, गिलफोर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक योग्यताओं को किन भागों में बांटा है? गिलफोर्ड महोदय ने संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमता को किस प्रकार से बांटा है? तो पांच भागों में बांटा है, मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान। ये पांचों याद कर लेना, मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान। आंतरिक व बाह्य अभिप्रेरणा में क्या अंतर है? अभिप्रेरणा दो प्रकार की, बाह्य और आंतरिक, है ना। अभिप्रेरित करना किसी बालक को, किसी बालक को प्रेरणा देना, वो आंतरिक होती है, बाह्य होती है। आंतरिक में क्या होता है, बालक खुद की स्व प्रेरणा से काम करता है, जिसको पहले कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ा दी जाती है, ऐसी बातें जिससे बालक स्वयं आकर के उस अभिप्रेरित होता है। बाह्य प्रेरणा में बाहर से उसको अभिप्रेरित किया जाता है। तो देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या होता है, पहला ये बाह्य परिस्थितियों से, दोनों में अंतर देखिए, ये बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है, बाह्य जो परिस्थितियाँ होती है इससे ये प्रभावित नहीं होती है। दूसरा, उधर इन्हें बाह्य परिस्थितियाँ देकर अभिप्रेरित किया जाता है, यानी इसमें बाह्य प्रेरणा से स्पष्ट है कि इनको बाह्य परिस्थितियाँ दे करके, बाह्य परिस्थितियों को हिसाब में रखते हुए अभिप्रेरित किया जाता है। दूसरा कारण अंतर क्या है, इसमें कार्य ही आनंद और ऊर्जा देता है, यानी कि बालक जब कार्य करता है अपने स्वयं के स्तर पर तो उसे आनंद की प्राप्त होती है और उसमें एनर्जी आती है, उसमें प्रेरकों से आनंद और ऊर्जा की, उसमें बालक को प्रेरित किया जाता है, तो उसमें प्रेरकों का योगदान है। तीसरा, इसमें बाह्य अभिप्रेरकों की आवश्यकता नहीं है, आंतरिक अभिप्रेरणा इसलिए बाह्य अभिप्रेरकों की आवश्यकता नहीं है, उसमें बाह्य अभिप्रेरकों की आवश्यकता होती है। चौथा, ये लक्ष्य केंद्रित होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा टारगेट केंद्रित होती है कि मुझे ये करना है, ये बनना है, इस प्रकार से ये करना है, तो वो ये लक्ष्य केंद्रित होता है, जबकि इसमें और उसमें बाह्य प्रेरणा में प्रेरकों का योगदान होता है। पांचवा, ये सभी परिस्थितियों में बनी रहती है, आंतरिक प्रेरणा किसी भी परिस्थिति हो उसमें बनी रहती है, जबकि ये बाह्य प्रेरणा परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। छठा, इसमें बच्चे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आवश्यकताओं के वशीभूत होकर कार्य नहीं करते हैं, इसमें बालकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि शारीरिक क्या आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक क्या है, सामाजिक आवश्यकताओं के वशीभूत होकर के ये काम नहीं करते हैं, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएँ मुख्य रूप से होती है, मुख्य होती है उसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सोशल इंटेलिजेंसी है ना, सामाजिक बुद्धि, सामाजिक यानी कि समाज, समाज से बना सामाजिक, जिस समाज में, जिस परिवेश में बालक रह रहा है, यदि वो बालक उस समाज में अपने अपने परिवेश में अपने आप को ढाल लेता है, उसके अच्छे संबंध हैं, वो सामाजिक है बालक, तो उसकी बुद्धि लब्धि अच्छी होगी, बालक ज़्यादा सामाजिक हो पाएगा, ज़्यादा सीख पाएगा समाज से, और उसकी जो IQ लेवल है वो बढ़ोतरी होगा और वो सोशल होगा, वो बालक सबसे बड़ी खासियत होगी कि वो सामाजिक प्राणी होगा। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उस सामान्य मानसिक क्षमता से है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझ पाता है, तथा व्यवहार कुशल होने से उसका सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है। जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि उच्च होती है उनमें अन्य लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता व मेलजोल सामाजिक कार्य करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि जिस बालक में, जिस व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि होगी वो बालक मिलनसार होगा, वो सामाजिक होगा, उस व्यवहार कुशल होगा, ये है सामाजिक बुद्धि की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे के सीखने को आयु वृद्धि किस प्रकार प्रभावित करती है? क्योंकि सीखना, बच्चे और सीखना हमारे
किताब का नाम है। तो बालक के संदर्भ में सीखने आयु वृद्धि किस प्रकार से प्रभावित करती है। बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार सीखने में जब आनंद आए एवं आयु वृद्धि कोई बाधा ना डाले तो बालक जल्दी सीखेगा, तथा कभी कभी आयु वृद्धि भी बाधा डालती है जिससे बालक को सीखने में अरुचि उत्पन्न होती है। बालक तभी सीखेगा जब उसको उसकी आयु वृद्धि बाधा नहीं डालेगी सीखने में। बालक अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है, क्षमता में उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो तो बालक क्या करेगा, जल्दी सीखेगा। ये 6 प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अपना पार्ट यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अलॉट।